बांदा जनपद के बबेरू मुख्य चौराहे पर अपना दल का 12वें दिन क्रमिक अनशन जारी रहा। उप जिलाधिकारी बबेरू के निर्देश पर तहसीलदार बबेरू के अनशन स्थल आकर अनशनकारियों से वार्ता किया और 15 दिन में अन्ना गोवंश की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। अपना दल के पदाधिकारियों ने आश्वासन पर अनशन समाप्त कर दिया। पूरा मामला अपना दल के मुख्य चौराहे बबेरू के क्रमिक अनशन का है, जहां अपना दल के पदाधिकारी 12 दिन पहले अन्ना गोवंश की समस्या को लेकर बबेरू के मुख्य चौराहे पर क्रमिक अनशन पर बैठे थे। तत्कालीन उप जिलाधिकारी बबेरू ने अनशन के 5वें दिन आकर के आश्वासन दिया और अन्ना गोवंशों को गौशालाओं में बंद करने के लिए खंड विकास अधिकारी समेत नगर पंचायत को निर्देश दिए। अन्ना गोवंश को गौशालाओं में बंद किए जाने की कवायद शुरू कर दी गई, लेकिन अनशनकारियों ने आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कहकर अनशन समाप्त नहीं किया। वही 12वें दिन तहसीलदार ने आकर 15 दिन में अन्ना गोवंश की समस्या को समाधान करने का भरोसा दिया। अपना दल के पदाधिकारियों ने अनशन समाप्त करने के लिए राजी हो गए। अपना दल के पदाधिकारी सचिव जय करण पटेल, युवा मंच के मंडल अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंदू, अमर सिंह आदि सभी उपस्थित रहे। अध्यक्ष मनीष पटेल समेत एक दर्जन पदाधिकारियों ने तहसीलदार से कहा कि आश्वासन के मुताबिक मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 15 दिन के बाद सीधे आमरण अनशन पर बैठेंगे, अन्ना गोवंश की समस्या को लेकर आर पार की लड़ाई छेड़ देंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या नाम है आपका? मनीष पटेल, अपना दल युवा मंच जिलाध्यक्ष। ये आपका जो है लगातार क्रमिक अनशन चल रहा था, आज समाप्त किया गया है। किसके शासन पे समाप्त किया गया, किन मांगों को लेकर के धरने पर बैठे थे? हमारी मांग थी अन्ना पशु की जो समस्या है, जो विकराल समस्या है किसानों के ऊपर, फसलें नष्ट हो रही थी, उसको लेकर आज हम 12वें दिन अनशन पर बैठे थे। उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय जी आए, उन्होंने 15 दिन का हमसे समय मांगा है कि 15 दिन का हमको समय दे दिया जाए और 15 दिन में हम पूरी व्यवस्था करवाते हैं। जानवरों को प्रत्येक गाँव की गौशालाओं में बंद करवाएंगे। तो क्या क्रमिक अनशन समाप्त कर दिया गया? हाँ, आश्वासन पर उनकी सहमति पर हमने अनशन को खत्म कर दिया है। अगर 15 दिन बाद हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम इस बार सीधे आमरण अनशन पर बैठेंगे। ज्ञापन दिया गया है, किस प्रकार का ज्ञापन था? ज्ञापन वही हमने चेतावनी वाला ज्ञापन दिया है। 15 दिन का जो उन्होंने समय मांगा, हमने अपना लिखित अपनी बात दी है उनको, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। R9 भारत के लिए शिवला शर्मा की रिपोर्ट, बांदा।